हमारे साथ पूनम जी हैं एंड शी इज फ्रॉम चंडीगढ़ एंड पूनम महंत एंड शी इज माय स्कूल फ्रेंड, शी इज माय नेबर भी थी और ये एक मेरी कजन भी है. सो इनकी जर्नी इनके द्वारा सुनते हैं. ये चंडीगढ़ से हैं और इन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या मैजिक क्रिएट करे हैं विद इन 2-3 ईयर्स में. सो ओवर टू पूनम. थैंक यू मृदु जी. सबसे पहले तो माय वार्म ग्रीटिंग्स टू एवरीवन. आई एम पूनम महंत फ्रॉम चंडीगढ़. मैं मृदुल की चाइल्डहुड फ्रेंड हूँ और एक रिलेटिव भी हूँ उनकी. तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हम इस जर्नी से कैसे जुड़े. 2019 की बात है. मृदुल जी का मुझे एक दिन कॉल आया कि आप अपना टाइम कैसे स्पेंड करती हैं. तो मैंने उनसे कहा कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ, घंटा न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ, डेली रूटीन का जो है वो काम करती हूँ. तो उन्होंने मुझे जस्ट ये कहा कि प्लीज़ आप एक काम कीजिए कि मेरे कहने पे एक बुक मंगवाइए, मैजिक, रोंडा बर्न की मैजिक बुक, स्टार्ट रीडिंग दैट बुक. मैंने कहा ओके. मैंने वो बुक मंगवाई एंड आई स्टार्टेड रीडिंग दैट बुक. तो जस्ट मैंने उसके 2-3 चैप्टर्स पढ़े और मुझे बहुत ही मतलब अपने में बहुत ही एनर्जी आनी शुरू हो गई. जैसे मेरे अंदर मुझे ऐसे लगा ये बुक बहुत ही वंडरफुल है. और उसी दौरान हमने मृदुल जी के साथ जो है जनवरी में सेशन शुरू किया, स्टार्टिंग जनवरी 2020. तो धीरे धीरे सेशंस में हम सीखते चले गए और सुबह सुबह जैसे हम सेशंस करते थे तो धीरे धीरे बहुत सारे वंडरफुल चेंजेस मेरी लाइफ में आए स्लोली. सबसे पहले तो मैं अपने बारे में बताना चाहूंगी कि मेरा घर का जो एटमोसफेयर है, मैं हमेशा ये सोचती रहती थी ऑल नेगेटिव थिंग्स कि मैंने इतनी पढ़ाई करी है लेकिन मैं फिर भी घर में बैठी हूँ. और मतलब ऑल नेगेटिव थिंग्स मेरे अंदर थी, कुछ भी पॉजिटिव नहीं था कि मैं क्या करूंगी अपनी लाइफ में क्या नहीं. लेकिन धीरे धीरे जो है मैंने अपना चाइल्डहुड जो मेरा पैशन ड्रीम था म्यूजिक का, जो मैं 20 सालों से मतलब ये सोचती थी कि मैं कैसे इसको दोबारा शुरू करूँ, रीलाइन करूँ, तो मैंने वो म्यूजिक सीखना शुरू किया. तो आज मुझे 2 साल इसमें हो गए हैं. हारमोनियम, म्यूजिक, गाना, मैंने सब सीखा और अपना ये जो पहला ड्रीम चाइल्डहुड का पूरा किया इस सेशंस में आने के बाद. और आज मैं बहुत अच्छा गाती हूँ और मुझे ये लगता है कि मैं इसमें और भी आगे जाऊंगी. डेफिनेटली मेरा ये ड्रीम है और मैं एक दिन मंच पे भी जरूर गाऊंगी. तो ये तो मेरा पहला ड्रीम था. सेकेंडली, मैं अपने डॉटर्स के लिए, जैसे मेरी डॉटर की हेल्थ के रिगार्डिंग थोड़ा इशू था, उसका वेट ही नहीं बढ़ता था बिल्कुल भी. तो इसी सेशंस में आने के बाद जो है उसने भी उस पे काम किया और उसने विद इन 2 मंथ्स में अपना 8-10 kg वेट गेन किया. और मतलब उसकी पर्सनैलिटी में जो वंडरफुल चेंजेस आए हैं, वैसे बोलने में भी और फिजिकली भी, तो बहुत सारे चेंजेस उसकी लाइफ में आए हैं. और बच्चों में भी जो है मेरी पॉजिटिविटी से इतने उनकी लाइफ में भी चेंजेस आए, उनके भी जो ड्रीम्स हैं वो लाइफ में बहुत अप हैं अब और उन्हें अपने ड्रीम्स जो है अपने बोर्ड पे लगा रखे हैं कि ये हमारा ड्रीम है अपनी लाइफ में. ये सारे जो है पॉजिटिव चेंजेस जब मैंने उनमें देखे तो मुझे लगा नहीं, ये सच में ये जो ग्रेटिट्यूड, ये जो काम करती हैं, ये चीजें बहुत काम करती हैं हमारी लाइफ में. और सेटिस्फेक्शन, पीस ऑफ माइंड तो इतना था. कभी मैं सुबह उठ के जैसे योगा करती थी, लेकिन योगा जरूर मैं करती थी लेकिन मेरे माइंड में यही बातें रहती थी, उसने ये कहा, उसने ऐसे किया, मैंने उसके लिए इतना कुछ किया फिर भी उसने मुझसे बदले में मुझे क्या दिया, कुछ भी नहीं. यही माइंड में मेरी बातें घूमती रहती थी. बट इस सेशंस में आने के बाद पीस ऑफ माइंड तो जैसे ऐसे आया है कि जो दिलो दिमाग में सारा कचरा था वो सब खाली हो गया और उनमें अपने ड्रीम्स, पैशंस और हमने आगे क्या करना है वो सारा भर गया है. मतलब इतना एनर्जेटिक फील करती हूँ कि आज ये करना है, कल वो करना है, वो प्लान करना कर लेती हूँ कि आज मैंने ये करना है, कल मैंने वो करना है. और सेम अपने बच्चों के लिए भी यही सोचती हूँ. और
जो मनी के रिगार्डिंग मेरे हमारे घर में चेंजेस आए हैं, मेरे हस्बैंड हमेशा कहते थे कि मतलब हम ये करेंगे, मैं मेरी हमेशा ही नो होती थी, नो वी विल नॉट टेक रिस्क, हमने कोई रिस्क नहीं लेना लाइफ में, हमने कोई कुछ नहीं, मतलब जैसा है ठीक है चल रहा है। लेकिन इसी दौरान इन्हीं 2-3 सालों में हमने 4 प्रॉपर्टीज खरीदी, 4 प्रॉपर्टीज इन चंडीगढ़। एक तो हमारी शोरूम बन रहा है, एक हमारा होम स्टे बन रहा है, एक हमने शॉप ली और एक हमने एक प्लॉट प्लॉट लिया। तो मतलब ये एक वंडरफुल, बिल्कुल ही बहुत ही चेंज था लाइफ में, कि इतने सालों से जो हमारा एक मन में था कि हमने ये चीज करनी है, वो ड्यू टू नेगेटिविटी या कह लो कि मेरी हर चीज में नो होती थी तो वो कभी नहीं हो पाया। लेकिन इन 2-3 ईयर्स में हमने 4 प्रॉपर्टीज ली है, मतलब तो ये भी एक बिग चेंज था मनी के उसमें। बाकी जो मेरी हेल्थ में चेंजेस आए हैं, हेल्थ में मुझे बैक पेन बहुत रहता था, बहुत ज्यादा बैक पेन रहता था। मैं रोज कहती थी अपने हस्बैंड को आई एम इन अ बिग पेन, रोज रात को मैंने ये कहना। लेकिन शायद मुझे लगता है ग्रेटिट्यूड है जिसके कारण आज मुझे 2 सालों से मैंने कोई टेबलेट नहीं ली बैक पेन की और आई एम ओके, फिट एंड फाइन। मुझे नहीं पता वो बैक पेन कहाँ गया कहाँ नहीं गया, विदाउट एनी मेडिसिन आई एम वेरी फुली ओके। एंड गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव, ये रोज मैं पढ़ती हूँ, मैंने अपनी अलमीरे में लगाया है, डेली आई रीड दिस की गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। तो मतलब इतने सारे चेंजेस हैं लाइफ में और मैं फील करती हूँ कि आई एम रियली ब्लेस्ड जब से मैं इन सेशंस में आई हूँ। और लाइफ में मतलब बहुत हैप्पीनेस है, बहुत खुशी है, और अब सिर्फ अपने बारे में ही नहीं, लेकिन ऐसे लगता है कि क्या मैं ये चीजें दूसरों की लाइफ में भी लाऊं, और जिसकी भी लाइफ में मैंने ये चीजें लाई हैं तो मतलब उनको भी वंडरफुल चेंजेस उनकी लाइफ में आए हैं इन सेशंस को, इनको बुक्स को पढ़ने के बाद। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझे थैंक्स कहा इन चीजों के लिए कि आपने जैसे अपनी लाइफ में ये किया, हमारी लाइफ में भी बहुत सारे वंडरफुल चेंजेस आए हैं। और किसी की जॉब लग गई, किसी का घर का एटमोसफेयर बिल्कुल ठीक हो गया। बाकी मैं अपने हस्बैंड के रिगार्डिंग बताना चाहूंगी कि उनका जो बिहेवियर था बहुत ज्यादा गुस्से वाला, तो मतलब उनको कोई कोई बात दूसरी बार कहने में भी डर लगता था, फियर था एक अंदर कि नहीं ये क्या कहेंगे। मैं आज मैं उनको कोई बात 10 बार भी बोलती हूँ तो मतलब उनका भी गुस्सा जैसे गायब हो चुका है, जो मैं कभी सोचती थी, मैं मेरे ड्रीम में जो जिस टाइप का पर्सन था वो आज बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल वैसे, मतलब उनको कोई गुस्सा नहीं आता। बहुत बहुत चेंजेस हैं उनकी भी। और आज मतलब मैं क्या, वो भी बुक्स पढ़ते हैं आके स्टडी में, जो बुक्स मैं पढ़ती हूँ तो वो भी वो बुक्स पढ़ रहे हैं लाइफ में, उनकी लाइफ में भी बहुत सारे चेंजेस हैं। तो और मैं बाकी तो क्या जी कहूँ, सर, सर जितना आप भी कुछ कहूँ पूछना चाहेंगे? जितना भी कहूँ कम है मतलब। हाँ ओके सो पूनम जी, एक बताएं, जो जी आपके जो चेहरे पे ग्लो है वो कुछ ग्रेटिट्यूड के पहले भी ऐसा हाँ जी, मैं ये भी था? बताना चाहती थी आपको। नहीं, मेरे फेस में बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन थी सर, मैं आपको बताना, ये भी मैंने बताना था आपको, आप जब मुझे होम में मिले थे तो मैंने तब भी आपको बताया था ये चीज, शायद आपको याद नहीं होगी, हम आप होटल चंडीगढ़ आए थे तो मैंने आपसे डिस्कस किया था। मेरे फेस में पिगमेंटेशन थी बहुत ज्यादा, इन 3 ईयर्स में ही मेरे फेस की जो पिगमेंटेशन है 80% जा चुकी है, आई एम ग्लोइंग नाउ। तो मुझे तो ऐसे लगता है ये सब ग्रेटिट्यूड का ही कमाल है, मुझे ऐसे फील होता है कि मैंने जितना थैंक्स ग्रेटिट्यूड तो जैसे बस नस नस में बस गया है, ऑलवेज थैंकफुल ऑलवेज थैंकफुल। और मैं आश्विन जी का, आपका, मृदुल का, सबका थैंक यू करती हूँ दिल से, जिन्होंने मुझे ये रास्ता दिखाया कि लाइफ में मतलब आर्ट ऑफ लिविंग, मतलब हमें मुझे समझाया। और सच में मैं बहुत खुश हूँ आज, और मैं ये खुशियां अपनी ही लाइफ में नहीं औरों की लाइफ में भी दे मतलब कोशिश करती हूँ कि उनकी लाइफ में भी आए। और मैंने बहुत से लोग जोड़े हैं इस चीजों से, और वो भी अपने जब रिजल्ट्स बताते हैं तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है, मैं पूनम, और एनर्जी फील करती हूँ अपने आप में। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। जिस तरह से आपने एजुकेशन, आई थिंक आप मास्टर्स पहले से ही थे हाँ और जी, हायर स्टडी आपने शादी के बाद मैं भी करी, यस, तो उसके बावजूद भी आपने जॉब नहीं करी, तो बिल्कुल आपका जो पहले का फीलिंग था और अब का फीलिंग में क्या डिफरेंस आया उससे? बिल्कुल, मैं यही सोचती थी अपने आप को, बहुत डाउन सोचती थी कि मैंने एमए एमबेड किया लेकिन मैं फिर भी घर बैठी हूँ, मैंने जॉब नहीं की ड्यू टू थोड़े घर के सरकमस्टांसेस ऐसे थे, मेरे इन लॉज के यहाँ पे प्रॉब्लम्स थी, तो
आज मुझे लेकिन बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है इस चीज का कि मैंने जॉब नहीं किया. आज मैं मतलब अपने इस एज में भी अपने सपने पूरे कर रही हूँ और मुझे लगता है मैं शायद बहुत आगे जाऊंगी और मैं क्या मेरे बच्चे भी बहुत आगे जाएंगे. उन्होंने अपनी फोटोज में आपको दिखाना चाहूंगी उनकी पिक्चर ऐसे है. ये मेरी wow. पड़ी अच्छा शी वांट पायलट बनना चाहती है वो. वेरी नाइस वाओ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. नहीं आप बनाना चाहती है कि डॉटर बनना चाहती है पायलट? डॉटर बनना चाहती है उसका एम है उसका ये विजन बोर्ड है. बिल्कुल वाओ आपका विजन बोर्ड कहाँ है? मैं जस्ट लिखती हूँ सर. मैंने अभी ऐसी कोई फोटो नहीं लगाई कि मैं जिसमें गा रही हूँ बट जस्ट आई राइट. मैं डेली अपनी पेन और कॉपी लेके लिखती हूँ तो मैं इसमें अपना डेली अपना वर्क लिखती हूँ कि मैं हाँ ये कर रही हूँ या जो भी है मतलब. वाओ सो नाउ देखिए व्हाट वी हैव हर्ड. पूनम जी को जब इंट्रोडक्शन कराया गया टू इनटू दिस वर्ल्ड ऑफ ग्रेटिट्यूड इनटू द वर्ल्ड ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन उनके चेहरे पे चमक आ गई. जो उनका जो 80% पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम था स्किन का जो इश्यू था जो चैलेंज था वो कितने साल से था आपको? 10 years 10 to 12 years. 10 साल की बीमारी उन्होंने 0 cost के ऊपर ठीक कर दी और ग्लो कर रही है. उनका चेहरा ग्लो कर रहा है. एक्चुअली आई एम टेलिंग यू दिस इज द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड. दिस इज द पावर ऑफ योर एनर्जी. हमारी जो एनर्जी है ना वो प्योर हो जाती है. जब एनर्जी प्योर हो जाती है तो अच्छी अच्छी बीमारी हमारा शरीर छोड़ के चली जाती है. चेहरे पे ग्लो आ जाता है, हैप्पीनेस आ जाती है, पीसफुल बन जाते हैं. एंड द मोमेंट शी बिकेम पीसफुल जब वो शांत हो गई तो उनके जो हस्बैंड को जो गुस्सा आता था अब वो भी चला गया. नाउ कैन यू सी एवरीथिंग? एवरीथिंग इज एनर्जी. एनर्जी अट्रैक्ट्स लाइक एनर्जी. ये जैसी एनर्जी बन गई वैसे हस्बैंड भी वैसे एनर्जी बन गया. वो भी बुक्स पढ़ने शुरू हो गए, वो भी शांत हो गए. पहले गुस्सा आता था, बात करने को भी डर लगता था, अब वो शांत कैसे हुए? बिल्कुल. क्योंकि ये जो पूनम जो एनर्जी है वो चेंज हो गई, वो पीसफुल हो गई. तो जैसे ही वो एनर्जी पीसफुल हो गई तो उनके हस्बैंड की जो एनर्जी है वो भी ऑटोमेटिकली पीसफुल हो गई, शांत हो गई, गुस्सा कम हो गया. इट इज सो सिंपल. अब जो इनका जो माइंड है, उन्होंने एक चीज और अच्छी बताई. जो पहले उनका माइंड था वो नेगेटिव था, वो चिंता करता रहता था, डरता रहता था, एंजाइटी में रहता था, डिसअपॉइंटेड, फ्रस्ट्रेशन, रिग्रेट, अफसोस करता था, रिसेंटमेंट, कभी कभी बदला लेने का भी मन करता था. एक बात उन्होंने जो आज बताई बहुत अच्छी बताई कि अब जो मेरा माइंड है वो पूरा सपनों से भरा हुआ है. मेरे आइडियाज है, मुझे कल क्या करना है, ये क्या करना है, उनकी आइडियाज पे चल रहा है. नाउ द माइंड इज फोकसिंग ऑन पॉजिटिविटी. यस ऑटोमेटिक है ये पूरा साइंस जो है ऑटोमेटिक चलता है. जैसे हम ग्रेटिट्यूड करना चालू हो जाते हैं हमारी सोच अच्छी आ जाती है, अच्छे लोग मिलने चालू हो जाते हैं, गाना गाना शुरू कर देते हैं, म्यूजिक बजाना शुरू कर देते हैं, क्या क्या करते हैं और चेहरे की खुशी देखो वाओ. और कुछ जादू बताना चाहेंगे आप? बहुत सारी और भी बड़ी सारी प्रॉब्लम्स बहुत बढ़िया है सर. 3 years पहले जैसे मुझे रात को कई बार अगर नींद से मैं जग जाती थी तो मेरा मैं इतनी फियरफुल थी कि मतलब मुझे Am I audible? Yes, yes, audible. Hello. हाँ जी audible हो, audible हो. हाँ पूनम बोलिए बोलिए. Yes. तो रात को अगर मुझे जैसे नींद से मैं जाग जाती थी तो मुझे इतना डर लगता था कि उसके बाद मुझे नींद नहीं आती थी और मेरे जो है दांत बचने शुरू हो जाते थे. मतलब मुझे ये प्रॉब्लम भी थी. मुझे डर लगता था कि मुझे कुछ हो जाएगा, मेरे बच्चों का क्या होगा या मेरे घर का. बट लेकिन ये 3 years से ये प्रॉब्लम भी बिल्कुल गायब है. अब मुझे कोई डर नहीं लगता, मतलब किसी भी चीज से डर नहीं लगता. मुझे ये लगता है कि जो भी होगा बहुत अच्छा होगा, वंडरफुल होगा, सुपर्ब होगा. मतलब बिल्कुल डर निकल गया है दिमाग से, अंदर जो डर था मेरे में. मैं कई बार कहती थी मुझे रात में मत जगाना कभी भी, अगर कोई प्रॉब्लम भी हो तो बहुत ही कोई मतलब ज्यादा प्रॉब्लम हो तो मुझे तब जगाना, अदरवाइज मुझे मत जगाना, मेरे को फिर नींद नहीं आएगी उसके बाद. लेकिन अब ऐसी कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है. मुझे जब मर्जी कहो मैं तब जगी हूँ, मुझे कोई डर नहीं लगता इस चीज से. और हेडेक बहुत रहती थी सिर पे, जैसे
कहीं जाती थी, मतलब छोटी मोटी जो, मतलब इतने मैजिक हैं कि मतलब मैं बता नहीं सकती कि कितने मैजिक हुए हैं इसके बाद लाइफ में, बहुत बहुत मैजिक हुए हैं। सर एक चीज बताना चाहूंगी, पूनम का होम स्टे है वो कसौली में बना है, और मैंने और इसने बैठ के मैनिफेस्ट भी किया था कि जी वो होम स्टे रेडी होगा तो हम वहां पर, वो 3 फ्लोर्स तक बनना था, वो 7 फ्लोर्स बने हैं, और मैंने मैनिफेस्ट किया था कि वहां पे सेशन होना है। सो मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि ये भी हमने करना है, हमने चंडीगढ़ से आगे कसौली मेरा ड्रीम है, मैं पूरी अपनी टीम को बुलाना चाहूंगी, आपको सबको बुलाऊंगी, प्लीज वेलकम हो आप सब जब भी रेडी होगा। कसौली तो सर आप गए हैं, तो हमने वहीं पर एक अपना रिट्रीट करना है, सो ये हमारा एक प्लान है आगे के लिए। नेक्स्ट कुड बी कसौली, यस परफेक्ट, वेरी गुड आइडिया, यस बहुत ही बढ़िया। ओके, और कुछ आपके अभी जैसे आपने अभी आपके सपने क्या हैं नाउ, व्हाट आर योर ड्रीम्स? मैं सर अपना गाने में ही परफेक्शन चाहती हूँ, और कुछ ना मतलब एक बड़े मंच पे गाना चाहती हूँ। कितने लोग रहेंगे वहां पर? बड़ा मंच मींस व्हाट? मतलब मींस 1000-2000 से ऊपर लोग हो, मतलब इतने बड़े मंच में गाना चाहूंगी। ओके, मतलब आपकी कैसेट मतलब आपकी कैसेट रिकॉर्डिंग होगी ऐसा कुछ? हाँ जी, अभी मैंने शुरू करनी है रिकॉर्डिंग, मेरा लगभग काम पूरा हो गया है। नहीं, मैं आप क्या कर रहे हो मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ। अच्छा, आपके सपने पूछ रहा हूँ, आपके सपने बताएं। हाँ बिल्कुल, अपना चाहती हूँ कि मेरी कैसेट्स बने और मैं रिकॉर्डिंग करूँ अपनी, और मेरा काफी बड़े मंच पे मैं गाऊँ, बस ये सपना जरूर है मेरा अपना। कितने गाने गाना है आपको? अभी ये तो मैंने नहीं सोचा कि गाऊंगी, 2-4 तो जरूर गाऊंगी जब भी कभी मौका मिलेगा, बाकी तो गाती रहूं। बस नहीं होता, सुनिए, नाउ आई विल टेल यू, ओके, एनी अदर ड्रीम, और कोई सपने हैं आपके? बाकी तो अपने बच्चों के लिए और अपने जो भी लाइफ में अभी मेरे प्लान चल रहे हैं। बच्चों का सुनो सुनो, वन मोर थिंग, मैं आपके बच्चों के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, आपके बस मेरा सिर्फ गाने का सपना है बहुत, जो मैं ऑलवेज देखती हूँ कि मैं बहुत अच्छे उस पे गा रही हूँ, बस मैं अपने आप को वही देखती हूँ हमेशा। ओके, तो अब थोड़ा सपने को और बड़ा करेंगे हम। ओके, नाउ एवरीबॉडी, नाउ दिस इज फॉर एवरीवन, ठीक है, सभी लोग अपने अपने सपने को देखेंगे, जिनको जिनका जैसा सपना है, अब इनका सपना है, देखो इनको क्लैरिटी नहीं आ रही अभी तक सपने में, करेक्ट, तो मैं उनको सपने को क्लैरिटी ला रहा हूं, ये मैं आप सबसे काम कर रहा हूं, प्लीज अंडरस्टैंड, एवरीबॉडी स्टार्ट वर्किंग ऑन देयर ड्रीम्स, फर्स्ट ऑफ ऑल You should have a dream. अभी जैसा आपका सपना है थोड़ा इसको बड़ा करेंगे हम। अब आप 2-4 गाने नहीं गा रहे हैं, आप 50-100 गाने गा रहे हैं, आपके पेपर में पोस्टर्स छप रहे हैं, आपके शोज हो रहे हैं, उसकी टिकट बिक रही है, आपके अब शो हो रहे, बंबई में शो हो रहा है, कहां पर हो रहा है, चंडीगढ़ में शो हो रहा है, दिल्ली में शो हो रहा है, इमेजिन, विजुअलाइज, थिंक अबाउट इट, मेक इट अ बिगर ड्रीम, 2-4 गाने में मजा नहीं आएगा, सपना छोटा हो जाएगा। I mean, I don't say anything. I mean, I'm just trying to inspire you. Make a bigger dream. Okay. Okay, make a bigger dream. And remember, आप जो भी इंसान सपने देखेगा उसी के पूरे होने वाले हैं। अगर आप सपने 2-4 के देखोगे तो 2-4 गाने गाओगे, 2-4 गाने में आप फेमस नहीं होंगे, आप 50 गाने गा रहे हैं, 100 गाने गा रहे हैं, पीपल आर कॉलिंग यू सिंग, Maybe you start, you can even think of make a dream, कि आप पिक्चर में गाना गा रहे हैं, मैं आपको आज बता रहा हूं। Okay, sir. अगर सपने देखोगे तो पूरे होंगे। अब मुझे बताओ फ्रेडा पिंटो कौन से एंगल से ऑस्कर लायक थी, बोलो? Yes. पहले पिक्चर काम किया एंड शी गेट्स एन ऑस्कर। अब मुझे आज तक नहीं समझ में आया कि हमारे हिंदुस्तान की सब हीरोइन इतनी बढ़िया है, इतनी अच्छी अच्छी एक्टिंग करते, क्या रोल करती है, उनको ऑस्कर अवार्ड नहीं मिला, एंड फ्रेडा पिंटो इज गेटिंग एन ऑस्कर। यस करिए दिव्यांश, आर यू गेटिंग दिस? हैज एवरीबॉडी सीन दैट वीडियो जो मैं रोज शेयर करता रहता हूं? फ्रेडा पिंटो जब छोटी थी तो मिरर के सामने ये ऐसा कुछ हाथ में लेके चलती थी कि ये ऑस्कर अवार्ड है, और वो मिरर के सामने चलती थी, शी वॉज विजुअलाइजिंग, उसका सपना था ऑस्कर अवार्ड लेने का। हिंदुस्तान की कोई भी हीरोइन को ऑस्कर नहीं मिला, और सिर्फ
फरेरा पिंटो को मिला। मैं आपको वो वीडियो शेयर करूंगा आज, जिसमें फरेरा पिंटो अपनी ये स्टोरी सिमी गरेवाल, जो टीवी का जो शो चलता है सिमी गरेवाल का शो के अंदर, उन्होंने ये बताई है। अब ना तो उनके कोई आजू बाजू में, मतलब उनके फैमिली में कोई फिल्म स्टार है या फिल्म में काम करता है, कुछ भी नहीं था। आउट ऑफ नथिंग दिस गर्ल बिकम गेट्स अ रोल इन द मूवी, पहले ही पिक्चर में डायरेक्ट ऑस्कर। सर रणवीर सिंह का भी तो इसी तरह से हुआ है, उसने भी ये मैनिफेस्ट ही किया था। मैं आपको उसका वीडियो भेजूंगा आज, उस वीडियो को आपने सेव करके रखना है, प्लीज अंडरस्टैंड। मैं चाहता हूं कि सभी लोगों ने उस वीडियो को सेव करके रखना है, बार बार देखना है, अपने बच्चों को दिखाना है। आपको अगर किसी को इंस्पायर करना है तो उस वीडियो को शेयर करते जाना और उसको सेव भी कर देना, जैसे मैंने किया है। अब आपने जो है सपने को बड़ा बनाना और हमें बस शेयर करना। ओके, सभी लोग कुछ गाना सुनना चाहेंगे पूनम से? यस। हाँ सर, कोई पॉजिटिव सॉन्ग की दो लाइनें? दो लाइनें ही, यस बिल्कुल। दो लाइन की चार लाइन गाएंगे, पूरा गाना गाएंगे यार, क्या बात है, बड़े सिंगर है। पूरा गाना चाहिए, आज ही ब्लेसिंग मिल जाएगी उनको। थैंक यू। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। डर हो तुम कन्हैया, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बहुत प्यारी आवाज है आपकी, वाओ। एक आईफोन से आपके लिए मैसेज है, लता मंगेशकर 2। वैसे आप सबको मैं बता रहा हूँ कि जैसे रोंडा ब्रांड ने सीक्रेट मूवी बनाई है, वैसा मेरा एक सपना है कि मैं इंडियन जो हमारे सुपर स्टार है, सुपर परफॉर्मेंस, सुपर मैजिशियंस को लेके मैं भी एक पिक्चर बनाने वाला हूँ, उसमें गाना से स्वीकार गाना। वाओ सर, ऑसम, थैंक यू वेरी मच। ओके एनीथिंग एल्स यू लाइक टू शेयर विद अस पूनम जी? बस मैं यही कहूंगी कि आई एम वेरी ब्लेस्ड, आई एम रियली ब्लेस्ड कि मुझे ये सेशंस मिले और आप लोगों से सबसे मेरी मुलाकात हुई। आई एम रियली ब्लेस्ड। Wow, wonderful. Thank you very much. So thank you, Poonam ji. Thank you. All the best. God bless you. And thank you for thank your personal talks. आपकी वजह से काफी लोगों को एक इंस्पिरेशन मिलेगी कि भाई ये मैजिक बुक में तो पक्का मैजिक है। अगर पूनम की लाइफ really, तो मेरी भी लाइफ में मैजिक होंगे। मेरा भी हस्बैंड मेरे साथ गाना गाएगा, मेरा पिया आया और thank you very much. Thank you. Okay. Anybody wants to share something? Kehna chahte hain kuch? Anybody? Or else we share, we end the session. Dekho, jinko back pain hai, jinko pigmentation ka problem hai, unko dekho aaj dawai mil gayi hai. Aap isko share bhi kar sakte hain logon se. Okay.
सर मेरे को एक बात पूछनी थी। हाँ जी पूछे पूछे। आई थिंक उनका सिग्नल चला गया। आई थिंक ओके। सर लिखना कैसे कैसे लिखते हैं थोड़ा बताएंगे शेयर करेंगे? मतलब पूनम जी कैसे लिखती थी और क्या लिखती थी? मैं सिर्फ ये लिखती थी कि आई एम ग्लोइंग, मैं ग्लोइंग ग्लो कर रही है मेरी स्किन और ये बिल्कुल क्लीन हो चुकी है, इसमें कोई पिगमेंटेशन नहीं है, जस्ट प्रेजेंट में लिखती गई सारा कुछ। मतलब बहुत कुछ डेली जो भी ग्रेटिट्यूड है, जो भी मेरा ड्रीम है वो मैं सब लिखती थी कि मेरा जो फेस बिल्कुल क्लियर हो चुका है, मैं हेल्दी हूँ। मैंने सच में काउंट नहीं किया कभी कि मैं कितने ग्रेटिट्यूड लिखती थी। मतलब जो भी मेरे मन में और अंदर से आता था, कोर ऑफ द हार्ट से, वो मैं लिखती थी अपने लिए। रश्मि जी इसमें मैं एक चीज बताऊंगी, लिखना ये नहीं है कि आप 50 और 100 लिखें, रेस में नहीं भागना है। दिल से आपके कितने उतरते हैं, आप मिरर के सामने जाकर कितनी बार फील कर पाते हो कि यस मुझे ऐसी स्किन चाहिए, वो ये फीलिंग्स, फीलिंग इज अ फ्यूल। यूनिवर्स को आपका लिखना नहीं समझ आता, उनको आपका लिखा हुआ पढ़ना नहीं, उनको आपकी फीलिंग समझ आती है। क्योंकि ये सर बार बार बोलते हैं फीलिंग इज अ फ्यूल, फीलिंग इज अ फ्यूल, और वो फीलिंग आपके अंदर है। जिस दिन वो फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी, दैट डे यू विल गेट द रिजल्ट्स। और पूनम की एक सबसे अच्छी क्वालिटी क्या है कि ये कंटिन्यू प्रैक्टिस करती है। इसने ये सेशन कोई करे ना करे, बट ये इसने कोई भी मोस्टली पेड सेशन नहीं कराया अश्विन मैम का, बट ये प्रैक्टिस में कंटिन्यू रही है। आज भी जब भी मेरी इससे बात होती है, कहती है मैं डेली इसकी बुक इसके सामने ही होती है हटे। तो वो चीज बड़ी है कि आप कंटिन्यू, ये नहीं है कि किसी को देखकर, अगर कोई दो सेशन कर रहा है हम चार कर रहे हैं, वो जरूरी नहीं है। आप प्रैक्टिस में बने रहे, ये बहुत मैटर कर, और प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। इसने प्रैक्टिस करी और इसने रिजल्ट प्राप्त किया। और जैसे प्रॉपर्टीज के लिए इन्होंने बोला चार प्रॉपर्टीज ले ली, पहले नहीं लेती थी। बिल्कुल, जैसे मैं हस्बैंड के लिए भी ये लिखती गई, माय हस्बैंड इज अ मनी मैग्नेट, मनी अट्रैक्ट कर रहे हैं, सभी कुछ मतलब मैं लिखती गई अपने हस्बैंड के लिए भी। और तो खुद ब खुद रास्ते खुलते चले गए, मुझे नहीं पता कैसे, बट देखिए इसमें बहुत ही अच्छी चीज है रश्मि जी, एक ही चीज बहुत अच्छी है इसमें। हाँ। शिव शक्ति, शिव शक्ति के अलावा हाँ। वो पावर नहीं, और शक्ति कहाँ है? वुमेन के पास। अगर वुमेन अपनी ग्रेटिट्यूड की वो एक प्योर पावर लगा रही है ना, तो अगर सोर्स हस्बैंड है तो पैसा वहां से उनका ग्रोथ होना ही होना है। अच्छा जी, उनका ग्रोथ होना ही होना है, क्योंकि वहां बाय प्रोडक्ट ही वहां से पैसा, वहां से चीजें होंगी। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अपनी लाइफ में एक ही था कि इन्होंने देखो हाँ। सरस्वती जैसी अपनी आवाज में काम किया, अपने बच्चों पे काम किया। जब घर में वो एक कहते हैं ना, एक बहुत ही प्योर माहौल मिल जाता है तो घर एक मंदिर बन जाता है। तो आदमी तो मेहनत करने के लिए निकलता ही है, और वो अपने आप ही उसकी क्रिएशन होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि वो भी मैग्नेट बन गया ना। जी जी, ऐसा आपको पता है कि हमेशा औरत के द्वारा ही आता है, तो वो लक्ष्मी का रूप तो यही थी ना, तो वो दोनों चीजें मिल गई और चीजें घर पे आ गई। तो ये चीजें वुमेन से ज्यादा, क्योंकि एनर्जी वर्क करती है और वुमेन हैज अ पावर, और वो पावर सर तो बार बार कहते हैं। मृदुल जी आपने बहुत सुंदर सत्संग किया आज। अच्छा हम मुझे, चलिए थैंक यू, बहुत अच्छा, वेरी नाइस, बिल्कुल Thank you. Thank you.